इंडियन शेयर मार्केट के इतिहास का सबसे महंगा शेयर MRF। जिंदगी में पहली बार MRF देखा था सचिन के बैट पे लिखा हुआ। तब ऐसा लगता था, अरे यार ये तो बैट बनाती होगी, इस चक्कर में बहुत सारे बैट भी ले आए। लेकिन बाद में पता पड़ा, अरे भैया ये तो टायर बनाती है। देश में मारुति ने जब प्लांट खोला, पहली गाड़ी निकाली 800, उसमें इसी के टायर लगे हुए थे। और कार, बस, ट्रक, जीप, टू व्हीलर, इनको तो छोड़ो, फाइटर प्लेन सुखोई तक में MRF टायर बना चुका है। और इतनी बड़ी और लेजेंडरी कंपनी की शुरुआत फाउंडर के द्वारा गुब्बारे बेचने से हुई थी। पर मन में कुछ सवाल अब आपके जच रहे होंगे। पहला, ये शेयर इतना महंगा कैसे हो गया? रिलायंस, TCS, HDFC इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके शेयर इतने महंगे नहीं है, इसका शेयर इतना महंगा क्यों? और दूसरा, अगर इतना महंगा है तो भैया लें कि नहीं लें? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और साथ में आपको सीखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें, जैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसने सेल कैसे बढ़ाई, इसने मार्केटिंग कैसे की, इसके फाइनेंशियल क्या है, बाकी कंपनियों से कंपैरिजन में ये कैसी कंपनी है, प्रॉफिट कितना है, सेल कितना है, मार्केट कैप कितना है। और इन सभी के साथ बिजनेस लेसन तो भर भर के फ्री में मिलेंगे ही, क्योंकि बिजनेस कोच होने का दायित्व है, वो भी तो निभाना है। देश के सबसे महंगे शहर की सबसे डिटेल्ड केस स्टडी सबसे धमाकेदार चैनल पे शुरू करते हैं, जनता जनार्दन की जय बोल के। कहानी चालू होती है MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री के फाउंडर KM मम्मन मपल्ले से। अबे नाम मेरे से बार बार मत बुलवाना। तो KM साहब की फैमिली वैसे तो फाइनेंशियली स्टेबल थी, लेकिन के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में भैया भिड़े हुए थे। तो अंग्रेजों ने कहा, यार भैया इसको जेल में डालो। तो उनको जेल में डाला, उनकी संपत्ति जब्त कर ली, उनका बिजनेस काइंड ऑफ ठप हो गया, तो घर परिवार की हालत खराब हो गई। तो इनके KM सर जो है मम्मन मपल्ले, इनके ऊपर भूमिका आई कि भैया घर का खर्चा चलाओ। तो इन्होंने बाजार से गुब्बारे खरीद के ये जगह जगह जाके गुब्बारे के खिलौने ये जाके स्टेशन पे दुकान घर घर जाके बेचते थे और उस पैसों से घर चलाते थे। धीरे धीरे थोड़ा पैसा बना लिया, उस पैसे से घर चला लिया। चलते चलते एक सच्चे बिजनेसमैन के दिमाग में आइडिया आता है, दाल रोटी तो चल रही है पर आगे क्या। तो आगे इन्होंने कहा, खरीद के बेचने में उतना मुनाफा नहीं है जितना बना के बेचने में। मैं खरीद के बेचता हूँ, छोटा सा मार्जिन मिलता है, बनाऊंगा तो और मिलेगा। तो इन्होंने कहा, चलो आप गुब्बारे बनाएंगे और बेचेंगे। और इसी के साथ हमारा होता है पहला बिजनेस लेसन, मूव अप द वैल्यू चेन। इसका मतलब जो वैल्यू चेन है, जहां भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है इस लेवल पे सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो उससे एक लेवल पीछे चले जाओ, वहां थोड़ा मार्जिन मिल सकता है। डीलर हो तो एक भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर बनके थोड़ा और मिल सकता है, होलसेलर बनके थोड़ा और मिल सकता है। माल खरीद के बेच रहे हो, बनाने लग जाओ तो कुछ और मिल सकता है। हाँ, इसको करने में थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन भैया मज़ा जरूर आएगा। बहुत सारे ऐसे इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ऐसा किया है, रिलायंस सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा कौन सा एक एग्जांपल आपके दिमाग में है कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप में से भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कहा, हाँ राहुल जी हमने भी वैल्यू चेन में अप करके काम किया था, तो कमेंट बॉक्स में अपना बारे में बिताइए मुझे, ताकि मैं आपको जान सकूं, पहचान सकूं। तो इसी के साथ 1946 में देश के आजाद होने के एक साल पहले इन्होंने खुद की टॉय की और बलून की मैन्युफैक्चरिंग डाली। काम बढ़िया चल रहा था, दो पैसे कमाए, 5-6 साल ऐसे ही चला। इनको 1952 में मिला इनका कजन, वो बोला, भैया मैं तो ट्रेड टायर्स में काम करता हूं। और बोले, भैया ये क्या चीज होती है? बोले, ट्रेड टायर का मतलब होता है, देसी भाषा में बताऊं, जब टायर ज्यादा चलते चलते घिस जाता है, या हमारी भाषा में बोले तो गंजा हो जाता है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक टायर की परत आती है, वो टायर की परत लगाते हैं और टायर भाई साहब फिर नया हो जाता है। तो इसने कहा, इस काम में बहुत मार्जिन है। तो उन्होंने कहा, यार अपन बलून वलून बना रहे हैं, अपन को इन चीजों का आइडिया है, इस काम में भी जाएं क्या, मोटा मार्जिन है। तो फिर उन्होंने 52 में ट्रेड टायर में डील करना चालू कर दिया। यहां छुपा है सेकंड बिजनेस लेसन, मूव अप टू डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी कि मेरे पास जो सेटअप है, जो लोग है, जो अनुभव है, जो नेटवर्क है, इसी नेटवर्क से इससे मिलता जुलता कोई व्यापार चालू किया जा सकता है जिसमें इस व्यापार की तुलना में भी ज्यादा मार्जिन है, तो भैया जरा सा भी हिचको मत, यू कैन मूव इट अगेन। इसके भी एग्जाम्पल इंडियन इंडस्ट्री में कहीं देखा हो या आपने खुद ने किया हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर पहले मैं ये काम करता था पर जब मुझे लगा तो मैं यहां चला गया। अब ऐसा तो था नहीं, इन्होंने ट्रेड टायर का काम चालू किया तो अकेले बाजार में बैठे थे, और लोग भी व्यापार करते थे। बाहर की कंपनी थी डनलप, उस समय मार्केट लीडर थी, उसने कहा, अरे कौन है नया लड़का बाजार में घुस गया MRF नाम से, इसको नहीं बिकने देंगे। उन्होंने थोड़े डिस्काउंट देने चालू किए कि सस्ता बेचेंगे, इससे कौन लेगा। इन्होंने भी अपने प्लांट पे काम किया, अपने लेबर पे काम किया, अपनी कॉस्टिंग पे काम किया, और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रखी और प्रोडक्ट को भी सस्ता रखा। तो डनलप से बहुत प्रेशर आया, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न विदेशी कंपनियों से लड़ गई, भिड़ गई और जीत गई, और एक अच्छा खासा मार्केट शेयर अपने कब्जे में रख लिया। और यहां पे आता है बिजनेस लेसन नंबर 3, कॉम्पिटिशन यूनिवर्सल है।
तुम कोई सा भी प्रोडक्ट लाओ, कोई सा भी सर्विस लाओ और दुनिया के किसी कोने में खोलो, तुम मंगल ग्रह पे भी खोलोगे, कोई ना कोई कंपटीशन कुछ समय में आ ही जाएगा। और कंपटीशन से लड़ने का एक ही तरीका है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो या प्रोडक्ट सस्ता हो, दोनों में से एक भी चीज है तो जीतने की संभावना है, दोनों है तो जीत गए। अब आते हैं असली में MRF कैसे बना। 1961 में मेंसफील्ड करके US का एक टायर ब्रांड था, इन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली कि भैया एक काम करते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, जान हम लगा रहे हैं, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तुम या थोड़ा टेक्नोलॉजी वाला सपोर्ट दे दो और जो तुम्हारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क है उसमें हमको माल बेचने दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है साथ में काम करते हैं। तो 1961 में इन्होंने साथ मिलकर काम चालू किया और टेक्निकल की जो चीजें थी वो इनको यहां से समझ आने लगी। अब सोचो 1964 का दौर चल रहा है, इंडिया को आजाद हुए 17 साल हुए हैं, उस समय भाई साहब कहां है मोटर कार, है ही नहीं। उस समय बाइक भी लिमिटेड, साइकिल भी लिमिटेड, तो क्या करें टायर वाले धंधे में। तो इन्होंने कहा इंडिया में अभी मार्केट नहीं है तो क्या करें बाहर चलते हैं। तो उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू किया अलग अलग कंट्रीज में। मेंसफील्ड यूएसए की कंपनी है, उसके ब्रांड से एक्सपोर्ट करेंगे तो भैया दुनिया, अच्छा यूएसए का टायर है, यूएसए का टायर कर रही है MRF है, लेकिन यूएसए के नाम से इन्होंने यूएस और कनाडा के मार्केट को छोड़ के सब जगह एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। 1961 में इन्होंने यूएस भी एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया और देश की पहली कंपनी बने जो यूएस को टायर एक्सपोर्ट करती है। 1979 आते आते इस मेंसफील्ड के साथ कुछ गड़बड़ हो गई यूएस में, तो इनका जो टायर था वो टूट गया, ये कंपनी खत्म हो गई। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम कर लिया MRF Tires Limited, मद्रास रबर फैक्ट्री। और ये टेक्निकल टाइप एक ही बार नहीं, कई बार किया। BF गुडरिच एक कंपनी है, उसके साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया कि भैया दो चार चीजें हैं सिखाओ ना हमको। मेरेंगोनी TRS SPA इटली की एक कंपनी थी, उसके साथ टेक्निकल टाइप किया कि अरे यार भैया हमें भी कुछ सिखाओ ना। कुल मिलाकर जहां टेक्नोलॉजी की कमी पड़ी वहां भैया टाइप टाइप कर कर आके बैठ गए। और आज की डेट में MRF 65 से ज्यादा देशों में टायर एक्सपोर्ट करती है और एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। जैसे एक तो होती है मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया आती है, ये इंडिया की कंपनी है जो यहां से मल्टीनेशनल हुई है। बिजनेस लेसन नंबर 4, माल बेचो, जहां बिके वहां बेचो। जरूरी नहीं है मेरी गली में तो सेल नहीं है तो शहर में बेच दे, मेरे शहर में कोई लेता नहीं है शहर के बाहर बेच दे, अरे देश में कोई नहीं लेता तो एक्सपोर्ट कर दे मेरे भाई, ये थोड़ी तेरी गली में तेरे शहर में बेचेगा। बिजनेस लेसन नंबर 5, डू स्ट्रेटेजिक टाइप। जहां आपको लगता है कि यार यहां मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले से कर लो। यहां टेक्नोलॉजी कमजोर है, टेक्नोलॉजी वाले से कर लो। यहां पैसा कमजोर है, फाइनेंशियल टाइप कर लो। जिस रिसोर्स की कमी पड़ रही है उस रिसोर्स में तुम्हारी एक ताकत है, उसकी कोई ताकत है, मिल लो, दोनों का फायदा। आपको क्या लगता है कुछ कंट्री में एक्सपोर्ट करके इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी MRF? नहीं भैया, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। 1973 में पहली बार टायर्स में नायलॉन टायर का इस्तेमाल किया MRF ने और एक क्रांति लेके आए। ये टायर भैया लंबा भी चलता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है और जेब पे हल्का पड़ता है। फिर उन्होंने कहा रहे अभी 73 आ गया है, थोड़ा सा धीरे धीरे इंडियन मार्केट भी होने लग गया। 1988 में मारुति उद्योग आ गया, अगर मारुति आ गई अब तो इंडिया में भी कारें बनेगी, तो मारुति से टाइप कर लिया। तो जो देश की पहली कार बनी थी मारुति 800, उसमें MRF के टायर लगे हुए थे। और आज भी इसका टाइप महिंद्रा से है, टाटा से है, जनरल मोटर से है, यामाहा से है। 91 आया जब इधर बजाज का असर उठाने लगा, बाहर की कंपनी आई तो इसने कहा ये काम भी बढ़िया है, टू व्हीलर का भी बनाने लग जाते हैं। तो ट्रक बस के पहले बना रहे थे, फिर कार पे आ गए, फिर टू व्हीलर पे आ गए, अब धीरे धीरे ये JCB के भी बनाने लग गए। ये बनाते हैं आपके सुखोई 30 का भी टायर एक बार उन्होंने बनाए हुए। अब आपको अगर लग रहा है कि MRF तो टायर ही टायर बनाती है, अरे भैया हल्का आदमी नहीं, इन्होंने कहा टायर के अलावा भी चार काम में लग जाते हैं। तो 1989 में हैसब्रो इंटरनेशनल एक कंपनी है जो टॉयज बनाती है, जैसे वार्नर ब्रदर के जो टॉयज आते हैं, लीगो के जो टॉयज आते हैं, इन टॉयज बनाने का काम भी इसने कोलैबोरेशन में उठा लिया। तो टायर के साथ साथ खिलौने भी बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ टाइप किया हुआ है, उनके साथ मिलके इंडस्ट्रियल पेंट भी बनाते हैं। और इटली की एक कंपनी के साथ टाइप किया है, उसके साथ कन्वेनर बेल्ट भी बनाते हैं। तो ये जो आपको एयरपोर्ट पे दिखती है या जो फैक्ट्रीज वगैरह में दिखती है, इस बेल्ट का निर्माण भी ये लोग करने लग गए। तो कुल मिला के इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन इतना किया, यार एक ही प्रोडक्ट पे थोड़ी डिपेंडेंट रहना है, कल को टायर में कोई बात हो गई तो वैसे तो नहीं होगी। आगे जाके 50 साल में चाहे आपकी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी, टायर तो रहेंगे ना भाई साहब, तो इनके टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिफिकेशन करके बैठे हैं। तो बिजनेस लेसन नंबर 6 समझाने की जरूरत नहीं है कि एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट मत रहो, अलग अलग प्रोडक्ट में इंडस्ट्री पे काम करो। और जैसा मैंने 5 में बताया था, हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपर्ट से टाइप कर रखा है ताकि ज्यादा मताफड़ी नहीं है। अब आपको मार्केटिंग का एक जबरदस्त लेसन बताता है, जबरदस्त। आपको ऐसा लगता है मार्केटिंग का मतलब यह है कि मार्केटिंग जब भी करें, अगर 100 रुपए की मार्केटिंग की जाए तो तभी सफल है जब उससे 500 रुपए की सेल हो। इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि मैं मार्केटिंग पे 100 रुपए लगा रहा हूं इस उम्मीद में कि 200, 300, 500 रुपए आए। पर परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अलावा एक मार्केटिंग और होती है जिसको कहते हैं ब्रांड मार्केटिंग। मुझे इस मार्केटिंग से इमीडिएटली सेल नहीं चाहिए,
लेकिन हाँ मेरे प्रोडक्ट को बच्चा बच्चा जान जाना चाहिए, मेरा नाम फेमस हो जाना चाहिए, सेल तो मैं बाद में कर लूँगा। इसको कहते हैं ब्रांड मार्केटिंग। और MRF ने कहा चलो ब्रांड मार्केटिंग करते हैं। तो ब्रांड मार्केटिंग के लिए बच्चा बच्चा तुमको जाने इंडिया में, तो क्या करना पड़ेगा, क्रिकेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर को पकड़ा, कहा भैया बैट पे लगा लो MRF। और उसी के चक्कर में हम सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार MRF बैट बनाती है, दुकान पे जाके खड़े हो जाते थे MRF वाला बैट दो। अब दुकानदार भी हमको समझाया जा रहा है, बनाया जा रहा है और दिए जा रहा है। अच्छा इन्होंने सचिन को क्यों चुना, इन्होंने कहा हर ब्रांड का अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसके अनुसार ही चुनते हैं। तो इन्होंने कहा हम खुद को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वी आर द बेस्ट टायर, तो हम उसी के साथ काम करेंगे जो बेस्ट है। और सचिन क्रिकेट के फील्ड में बेस्ट है, तो सचिन के साथ काम किया। सचिन रिटायर हो गए तो सचिन के बाद किसको पकड़ा, कोहली को। बोले अभी कोहली बेस्ट है, अभी कोहली का दिन जाएगा, ये किसी और को हायर कर लेंगे, पर बात करेंगे सिर्फ बेस्ट के साथ। तो इंपॉर्टेंट लेसन क्या है, हर मार्केटिंग से माल नहीं बिकता, कुछ मार्केटिंग फेमस करने के लिए भी होती है। अब आपका असली सवाल कि राहुल जी दुनिया भर की रामायण छोड़ो, हमें तो बताया 1,00,000 का शेयर हो गया, इतना महंगा हो गया कैसे हो गया, क्यों हो गया ये शेयर महंगा कैसे हो गया, आप समझो। देखो जैसे जैसे किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस कंपनी के शेयर प्राइस में भी उछाल आता है। अब कोई शेयर आज 1,000 का है वो 2,000 का 3,000 का होगा। अब 3,000 4,000 5,000 जैसे ही इस रेंज में जाता है हर कोई आम आदमी उस शेयर को ले नहीं सकता। तो कंपनी क्या करती है, जैसे 5,000 रुपये का शेयर एक आपके पास है तो कंपनी कहेगी सुनो आज से हमने शेयर स्प्लिट कर दिया या हमने क्या बोनस शेयर दे दिया। तो जिस जिस आदमी के पास हमारा एक शेयर है उसको एक शेयर फ्री में देंगे जी। तो आपके पास पहले एक शेयर था 5,000 का, आपको बोनस में एक शेयर और दे दिया, आपके पास 2 शेयर हो गए, पर उस शेयर की वैल्यू क्या कर दी 2,500 रुपए। तो अब आपके पास तो 2 शेयर है 2,500 के हिसाब से 5,000 का, आपका तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन हाँ वैल्यू उसकी थोड़ी सी कम हो गई। अब उसके चक्कर में क्या 2,500 का शेयर है तो 4 लोग और ले लेंगे। तो शेयर का प्राइस जितना सस्ता रहता है उतने ज्यादा इन्वेस्टर उसमें आ सकते हैं, उतनी ज्यादा खरीद बेच हो सकती है। MRF ने इस स्ट्रेटजी पे ध्यान ही नहीं दिया। MRF ने जीवन में सिर्फ 2 बार बोनस शेयर इशू किए हैं, 1970 में और 1975 में। 1975 के बाद से आज तक लगभग 50 साल होने आए ये बोनस शेयर इशू ही नहीं करते। तो शेयर प्राइस बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। अभी तो इन्फोसिस ने TCS ने जब भी इनको लगता है तो प्राइस महंगा हो रहा है ये टुकड़े कर देते हैं, तो वो अभी वैल्यू में बना हुआ है। अगर ये नहीं करते तो हो सकता है TCS का शेयर 5,00,000 का, रिलायंस का 10,00,000 का भी शेयर होता, लेकिन समय समय पे तोड़ दिया। अब ये क्यों नहीं तोड़ते, इसके नुकसान क्या है, सबसे पहले इतना महंगा शेयर होने का नुकसान है कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता। आज की डेट में कोई बंदा जिसके पास टोटली 10,000 रुपए है वो तो MRF का शेयर को दूर से देखना छोड़ो सूंघ भी नहीं पाएगा, कहता यार भाई कैसे ले मैं। हाँ अगर ये 1,000 का शेयर होता तो 10 शेयर लेके बैठ जाता। तो इसमें हर कोई एंट्री नहीं कर पाता, ये इसका नुकसान है। प्लस लिक्विडिटी बाजार में बहुत कम रहती है। आज के डेट में मेरे पास MRF के अगर 50 शेयर हैं और मैं बेचने जाऊंगा तो हो सकता है एकदम से 50,00,000 के माल बिके भी ना, क्योंकि बाजार में इतने बायर ही ना हो, ये नुकसान है। लेकिन फायदा क्या है, MRF के ओनर बोलते हैं कि भैया देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारा शेयर जिसने ले लिया वो लेके बैठा रहे, ये ज्यादा खरीद बेच वाला चक्कर ना हो और हर कोई हमारी कंपनी में आना जाना लगा रहे। 100-500 का शेयर होगा तो कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, रोज के फ्लक्चुएशन है, इतना महंगा शेयर है फ्लक्चुएशन ही खत्म। अच्छा आपको लग रहा है कि राहुल जी हाँ यार 1,00,000 का तो खूब ही महंगा हो गया, तो इसके लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। वॉरेन बफे का नाम सुना है, उसकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो भी स्प्लिट नहीं करते, वो कहते हैं शेयर के टुकड़े करना ही नहीं। तो ऐसे करते करते वॉरेन बफे की कंपनी के एक शेयर 4 करोड़ रुपए का है। एक और सवाल कि राहुल जी लेकिन चाहे कुछ भी कहो कितनी भी टेक्निकल बात बताओ यार 1,00,000 ज्यादा तो होता ही है। नहीं भैया 1,00,000 रुपए होने के बावजूद भी MRF इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा शेयर नहीं है। राहुल जी ऐसे कैसे नहीं है, सुनो जरा, आपका शेयर कितने रुपए का है उससे मतलब नहीं है, उसके पीछे वैल्यू क्या है उससे मतलब है। सलमान खान 10 करोड़ रुपए में आ जाए तो भी सस्ता ही कहलाएगा, यार सलमान खान बस 10 करोड़ में पिक्चर कर रहा है। और कमाल आर खान 10,00,000 भी ले ले तो यार इतना महंगा क्यों दे रहे हो उसको। तो अब समझो कोई शेयर महंगा सस्ता कैसे देखा जाता है। उस शेयर को महंगा कहा जाएगा जिसका PE रेशियो बहुत ज्यादा है, वो शेयर कहलाता है महंगा शेयर, और जिसका PE रेशियो कम है वो कहलाता है सस्ता शेयर। जैसे एग्जांपल से समझो, अगर आप महंगे शेयर की बात करते हो तो जो स्टार्टअप के शेयर आते हैं ये है सबसे महंगे शेयर। क्यों? क्योंकि इनकी अर्निंग तो कुछ भी नहीं है, लॉस है, 10-20 करोड़ रुपए कमाते हैं, कंपनी का भाव लेकर बैठे 20,000 करोड़ 25,000 करोड़, तो ये महंगे हुए ना क्योंकि इनके 1 रुपए की अर्निंग के पीछे 2,000 रुपए का भाव लेके बैठे हैं, ये महंगे। बीच में अडानी पे आरोप लगे थे, यार भाई साहब अडानी के शेयर इतने हवा में उड़ा रखे हैं, उसका पी रेशियो बहुत ज्यादा था, यार अडानी की इतनी तो कमाई नहीं इतना महंगा। तो अगर ये 1,00,000 का शेयर है एक कमाई भी उतनी कर लेता है बच्चा। और कई ऐसे शेयर हैं जिनकी कमाई लेने देनी कुछ नहीं है, तो जिनकी कमाई दमाई कुछ नहीं है तो 100 रुपए में महंगा है ना यार। इसका 1,00,000 शेयर होने के बावजूद
टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखूं कि टोटल बाजार में एमआरएफ की टोटल वैल्यू कितनी है, वो है 42,000 करोड़ रुपए ओनली। इंडिया के जो टॉप 100 मार्केट कैप है ना, उसमें भी एमआरएफ अभी नहीं आता। नंबर वन पे बैठे हैं सबके पापा रिलायंस इंडस्ट्रीज 17,00,000 करोड़ की वैल्यू लेके। तो आप सोचो टॉप 100 लिस्ट में भी नहीं आता अभी तक। हाँ, ये अपनी इंडस्ट्री में सबसे महंगा है। टायर इंडस्ट्री में जिन जिन इंडस्ट्री के शेयर है, जैसे अपोलो का शेयर है, जेके का शेयर है, आपके बालाकृष्ण इंडस्ट्री का है, इन सबसे देखा जाए इस कंपेरिजन में महंगा शेयर है, ये मानना पड़ेगा। राहुल जी, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, आप तो ये बताओ, बात खत्म। आप तो ये देखो अब तक क्या एमआरएफ ने जनता को कमा के दिया है कि नहीं कमा के दिया। जब इसका आईपीओ आया था ये 11 रुपए का शेयर था, आज ये 1,00,000 रुपए का है, यानी इसने ग्रोथ दी है 9,000% की। जिस आदमी ने उस समय 1100 रुपए का शेयर खरीदे थे, आज की डेट में वो 1 करोड़ रुपए का मालिक है। तो 1100 रुपए बन गए 1 करोड़ रुपए, तो कमा के तो दिया है जब से लेके आया तब से अब तक। लेकिन मैं बात करूं कि भैया ये तो इतनी लंबी बात हो गई, हमें तो बताओ अभी करंट में हालत क्या चल रही है। तो करंट में भैया उतना कमा के नहीं दिया है। अगर पिछले 3 साल के एवरेज की बात बताऊं तो पिछले 3 साल में एमआरएफ ने 57% की ग्रोथ दी है, पर उसी दौरान सेंसेक्स ने 87% की ग्रोथ दी है। और इसके कंपटीशन पे अगर मैं चला जाऊं, जेके ने 219% की ग्रोथ दी है, अपोलो ने 284% की ग्रोथ दी है। तो बाकी इंडस्ट्री बाकी कंपैरिजन के चक्कर में पिछले 3 साल या 5 साल भी आंकड़ा ले लेंगे तो एमआरएफ का उतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही है। इसकी सेल्स की बात करें तो ये नंबर 2 पे है। सबसे ज्यादा सेल्स टायर मार्केट में अपोलो टायर्स की है, 24,500 करोड़। सेकंड नंबर पे ये आता है 23,500 करोड़। तीसरे नंबर पे आता है जेके, जो है इसका लगभग आधा, 14,000 करोड़। तो वैसे तो टॉप पे है पर नंबर 2 है, और थर्ड में और 2 में बहुत बड़ा गैप है। इसके अलावा टायर मार्केट में 24% मार्केट शेयर एमआरएफ लेके बैठा है। 65 से ज्यादा कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता है, जैसा मैंने बताया ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियों से टाटा महिंद्रा इनका ऑलरेडी टाइप है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना डिस्क्रिप्शन हो जाए, पेट्रोल डीजल से आप चले जाओ, हाइड्रोजन पे चले जाओ, चाहे ईवी पे चले जाओ, किसी पे भी जाओ, चाहे सोलर से चलाओ, टायर तो चाहिएंगे भाई साहब। तो टायर इंडस्ट्री को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उड़ने ही वाली है। जनसंख्या बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा तो गाड़ियां बिकेगी, तो टायर का भी काम होगा ही होगा। तो एमआरएफ के बारे में मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई, सेल्स बताई, मार्केटिंग बताई, पोजीशन बताई, प्रॉफिट बताया, कंपैरिजन बताया, इसके बारे में डाउट आपको क्लियर किए। पर इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको एक डिस्क्लेमर जारी कर देता हूं। पहली बात, मैं एमआरएफ में इन्वेस्टर नहीं हूं, मैंने कोई शेयर नहीं लिया। दूसरा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं जो आपको एडवाइस दे सकूं, मैं कौन सा लीगल एडवाइजर हूं। तीसरा, मेरी किसी भी प्रकार की वीडियो को आप ये मानना कि आज से आपको एमआरएफ के बारे में पता पड़ा, ये आपकी रिसर्च का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बाद आप रिसर्च करो, जान लगाओ, फिर बताना करना कि नहीं करना। मेरी किसी वीडियो को आप कंक्लूजन मत मानना, हाँ राहुल जी ने कह दिया तो ले लो, नहीं। राहुल जी ने डेटा देते हैं, डिसीजन आप लोगे, आपका पैसा, आपकी इच्छा, हम बस हेल्प करने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद।